जननायक जनता दल पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला का आज पिंजौर शहर में जोरदार स्वागत किया गया। पिंजौर कमलेश्वर चतुर्वेदी शहर की रतरपुर कॉलोनी में आज नगर निगम के पूर्व पार्षद व इनेलो नेता सतिंदर सिंह टोनी के निवास स्थान पर जननायक जनता दल के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इनेलो पार्टी को छोड़कर कई सदस्यों ने आज जननायक जनता दल पार्टी का दामन थामा। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि दुष्यंत चौटाला ने शहर में आज इनेलो को छोड़कर जेजेपी पार्टी ज्वाइन करने पर भी सदस्यों व कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। अशोक शेरवान जी, पंचकुला जिला के हमारे शहरी अध्यक्ष, ओपी सियाटी, ग्रामीण अध्यक्ष भाग सिंह जी, आज के इस मीटिंग के आयोजकर्ता, बहुत ही संघर्षशील आपके सुख के साथी, आपके पार्षद भाई बेटे टोनी जी, उनके साथ आज जननायक जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए एक ताकत देने हमारे साथ जुड़े ओम प्रकाश जी, मलिक साहब, तमाम अलग अलग संगठनों को छोड़कर आए वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी, साथी और जननायक जनता पार्टी के बहुत निष्ठावान कर्मठ कार्यकर्ता साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहने, युवा साथी, पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ तमाम साथियों का जिन्हें जननायक जनता पार्टी को एक ताकत और मजबूती देने का काम किया है। और यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले भविष्य में इसी जोश और उत्साह के साथ संगठन को एक ताकत देने का अवसर मिलकर काम करें। साथियों, आज प्रदेश परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन तो एक व्यक्ति की मेहनत से नहीं आता, परिवर्तन में तो सबकी भागीदारी होती, सबका सहयोग होता है। और हमारे देश प्रदेश में और देश के अलग अलग प्रदेशों में निरंतर परिवर्तन देखा, और पिछली बार तो केंद्र में भी ऐसा परिवर्तन हुआ कि पूर्ण बहुमत देखने को। और आपसे निवेदन करूंगा, पिछली बार की तरह परिवर्तन नहीं लाया, लोगों को धोखा मिला, बड़े बड़े वादे करकर उनको जुमला बोल दिया गया, और आज भी उसी तरह का एक पाखंड देश में किया जा रहा है। आज कहते हैं कि हमारे देश के अंदर सैनिकों को ऑटोनॉमी दी जाएगी कि वो कोई भी कार्रवाई करे। मैं तो प्रधानमंत्री को कहता हूं, हम सारे सांसद तैयार, दो दिन का विशेष सत्र बुलाओ और इस 370 की बीमारी को इस देश से निकालने का काम, और हम सब आपका साथ देंगे। फिर ना तो जवानों को ऑटोनॉमी की जरूरत, ना उनको अथॉरिटी की जरूरत। अगर प्रधानमंत्री सच में चाहते तो उनका वादा और देश का हर एक सांसद आज उनके साथ उनके वादे पे खड़ा होगा कि अगर वो दो दिन का अपने शासन काल में विशेष सत्र बुलाकर इस 370 को इस संविधान से हटाने का काम करे। बुजुर्गो, युवा साथियों, आज देश के अंदर जो स्थिति है, मेरे से ज्यादा आप उसको जानते हैं, समझते हैं। आपके इलाके की तो विकास की अगर नींव कुछ थी तो एचएमटी थी, उस एचएमटी को यहाँ से हटा दी, और थोड़े दिनों में आप देखोगे कि आप प्राइवेट ट्विटर को जमीन बेच के उसके अंदर फ्लैट बना दिए जाएंगे। इस सरकार ने जो वादे किए थे रोजगार के, रोजगार तो आपको नहीं दे पाए, रोजगार छीनने का काम जरूर। आज महिला हो, किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, युवा हो, हर वर्ग परेशान। और आपको अब एक होकर इस सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद करना थी, जिससे टूरिज्म आता था, जैसे चौधरी देवीलाल जी ने एक समय इसको डेवलप करने का प्रयास किया।
आज कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल साइट्स को भी सरकार ने बर्बाद किया। ये आपसे 7 किलोमीटर दूर ट्रिम्बल ट्रेन में तो दो दो दिन दो दो रात रुक के आते हैं और हमारे इस फोर्ट के अंदर कदम रखने का काम मुख्यमंत्री बुजुर्ग युवा साथियों, आज आप सबको जागरूक होकर इस लड़ाई में हमारा साथ देना पड़ेगा। और हम तो इस सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि प्रदेश के हर क्षेत्र में हर वर्ग का विकास करना, और विकास के लिए कहीं ना कहीं पहले राज बनाना।